आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, वो मनाना ही था हमने, और अंकित ने तो खुद कहा था, एटलीस्ट मम्मी ने कहा था कि नवरात्रों में जन्मदिन है तो शाम को यहाँ पूजा वूजा करवाएंगे, ये कराएंगे। अंकित बोला था कि मम्मी जो कराना कराना, पैसे मैं दूंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे ढंग से करवाना। पर हमें अब इस तरीके से करवाना पड़ रहा है, ये थोड़ा दुख तो लग रहा है, मगर हम उसकी इच्छा को कम नहीं होने देना चाहते। ओम नमो स्वाहा। Nearly 2 months after the murder of West Delhi-based photographer Ankit Saxena, his friends and family have continued spreading their message for peace and prosperity. This time, on the occasion of his 24th birth anniversary, his friends and family have organized a bhandara where people from different religions and faiths are invited at the same spot where Ankit was murdered on 1st February. बहुत ही फील होता है कि अंकित क्यों नहीं है हमारे साथ। अंकित मेरा डांस, मेरा क्या सभी का डांस पार्टनर था हमारा, तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरे साथ कौन डांस करेगा उस चीज उस तरह से जिस तरह से अंकित और मैं करते थे या और सब करते थे हमारे साथ। तो वो चीज़ मेरे को मेरे माइंड में अभी तक बैठी हुई है, वो जा नहीं रही मेरे माइंड से। अंकित का नाम सुन के जो पहली चीज़ हमें ध्यान में आती, उसका हर चीज़ में उसकी एक्टिविटी जो थी वो सबसे आगे रहता था, सारे कामों में सबसे आगे रहता था सबसे पहले। तो वो चाहे वो डांस करना हो या कोई भी फैमिली में कोई भी ओकेजन हो या कुछ भी हो। चार दिन की चांदनी वाली बात थी, ढेर लोग आए, गिनती नहीं है, ना जाने कितने लोग आए, और बड़ी ऊंची ऊंची हवा में बातें भी की उन्होंने, भरोसा दिलाया। मगर आज की तारीख शायद 1.5 महीना होने वाला है, हर तरफ से रिजल्ट 0 है। मगर मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अंदर से दुखी हूँ, मैं किसके बारे में क्या बोलूँगा, साधारण आदमी हूँ, वो पावर वाले आदमी है। द फैमिली किल्ड हिम ब्रूटली इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। इवन सो अंकित सक्सेना'स फादर सेड वेरी लाउड एंड क्लियर दैट ही वांट्स जस्टिस फॉर द पीपल हु किल्ड हिज चाइल्ड, बट ही हैज नो इल विल व्हाटसोएवर अगेंस्ट मुस्लिम पीपल जनरली, एंड दैट इज रेयर इन द टाइम्स दैट वी लिव इन। यू नो, यू सी दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु कॉल देमसेल्व्स आवारा बॉयज, there's Muslims among them, there's Sikhs among them, there's Hindus among them, and the kind of friendship that they have with each other is actually what India is truly about. Awara boys hi keh lo har kisi ko, kyunki aaj hum road pe nikle hue hain apne bhai ko har dil ke andar basane ke liye, to aaj ke time pe hum awara ghoshit ho chuke hain.